हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक मकान के रिव्यू के लिए जो कि है कुसुमखेड़ा कमलबागाजा रोड के पास गिरिजा विहार कॉलोनी है पड़ती है, जिसके अंदर यह प्लॉट है और मेन रोड से महज यह आपका 100 मीटर के अंदर अंदर यह मकान है। यह सामने ही आप देखिए, यह रोड है कॉलोनी की, मेन रोड है कुसुमखेड़ा कमलबागाजा मेन रोड। 20 फीट की है इसमें रोड है, आगे से जो आपने देख रहे हैं पक्की डामर रोड है। और अब आ गए हैं हम मकान के अंदर। यह रहा इसका एंट्रेंस, यह इसका गेट, यह इसका बरामदा है, आप इसको पार्किंग एरिया भी कह सकते हैं। आगे से में देखिए थोड़ा सा स्पेस है और ये देखिए आप छत में जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ बाहर से दी गई हैं। बाहर से बरामदे में भी, इसके पार्किंग में भी आप देखिए पूरा फॉल सीलिंग का इसमें वर्क हुआ है और काफ़ी अच्छा। यह देखिए आप, इसका वाटर टैंक यहाँ पर बरामदे में दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें दो एंट्रेंस दिए गए हैं जो कि सीधे एक लिविंग रूम में खुलता है और एक बेडरूम पे खुलता है। अब चलते हैं हम लिविंग रूम की ओर। यह रहा देखिए आप लिविंग रूम, जो कि काफ़ी सुंदर है और काफ़ी सजाया गया है। देखिए आप, पूरा वॉलपेपर से लेके फॉल सीलिंग से लेके इसमें ए टू जेड आपको सारे वर्क देखने को मिलेंगे। और यह देखिए आप, कितना खूबसूरत सा इसमें वॉलपेपर सामने आप देखिए लगा हुआ है। आप देखिए पूरा इसका आर्च में भी पूरा वुडन का पूरा फ्रेम का वर्क किया गया है, जो कि काफ़ी हैवी लुक उस चीज़ को देता है। ये आप देखिए पूरा LCD पैनल यहाँ पर दिया गया है, जो कि पूरा वॉल को इसके यहाँ पर कवर करते हुए है। इसके बाद फॉल सीलिंग की बात कर लिया जाए तो ये देखिए आप, इसमें पूरा फॉल सीलिंग का वर्क इसमें हुआ है और साथ ही LED लाइट देखिए आप। काफ़ी स्पेशियस यहाँ आपको लिविंग रूम देखने को मिलेगा और काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ आपको लिविंग रूम देखने को मिलता है। अब दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके आगे बढ़ते हुए, जो कि हम लॉबी में पहुंचते हैं। यह रहा इसका लॉबी का एरिया, यह भी काफ़ी स्पेशियस है, पूरे मकान को चारों तरफ यह कनेक्ट करता है। और देखिए दोस्तों, यहां पर भी आपको पूरा फॉल सीलिंग का वर्क मिलेगा जो कि PVC के साथ में है। यहां पर भी आपको LED लाइट और हर चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर भी आप देखिए वॉश बेसिन का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की ओर। यह आ गए हैं हम देखिए बेडरूम में, और यह भी काफ़ी बड़ा है बेडरूम है। देखिए आप, यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग का पूरा काम वर्क देखने को मिलेगा और अलमीरा वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, पूरा यहाँ पर देखिए आप, वुडन का काफ़ी वर्क हुआ है, फॉल सीलिंग का वर्क हुआ है, किसी काम की कोई यहाँ पर कमी आपको देखने को नहीं मिलती है। और ये देखिए आप, कितनी सुंदर से यहाँ पर फॉल सीलिंग की गई है, जो कि बेडरूम को एक काफ़ी शानदार यह लुक देती है। और देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ी इसमें आपको देखिएगा आप रोशनदान के साथ में विंडो हैं, जो कि काफ़ी बड़ी विंडो यहाँ पर दी गई है, पूरी वॉल को कवर करती हैं, जिससे कि आपको वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं आएगा। और दोस्तों, वापस हम लॉबी पर आते हैं और इसके बाद हम चलते हैं सामने ही इसके किचन की ओर। तो दोस्तों, यह रही देखिए आप किचन, जो कि पूरा मॉड्यूलर किचन, यहाँ देखिए आप पूरा मॉड्यूलर किचन बनाया गया है। किचन में भी आपको किसी तरह की कोई कमी देखने को मिलती नहीं है, प्रॉपर गीजर यहाँ पे दिया गया है सामने, यह चिमनी का एरिया है। तो दोस्तों, काफ़ी सुंदर यह रसोई है। और अगर इसके मटेरियल की बात की जाए तो सब यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें लगाई गई हैं, किसी की कोई कमी यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। फ्लोर पर आपको इसमें पत्थर देखने को मिलता है, वॉल में आपको इसमें टाइल देखने को मिलती हैं। और दोस्तों, ये देखिए लॉबी से वापस मैं आपको एक बार फिर से लिविंग रूम का एक व्यू करवाया है। अब हम गैलरी से आगे बढ़ते हैं, जस्ट लेफ्ट में इसके हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आपको बाथरूम देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा, जिसे कि आप मास्टर बाथरूम आप कह सकते हैं। इसमें भी आपको देखिए आप पूरी फ्लोर पर पत्थर देखने को मिलता है और वॉल पर आपको पूरा यहाँ पर टाइल देखने को मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पर भी आपको दोनों सीटों का ऑप्शन दिया गया है, काफ़ी स्पेशियस यह बाथरूम आपको देखने को मिलेगा और वेंटिलेशन का इसमें प्रॉपर ध्यान दिया गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके सामने ही आपको मंदिर मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते ही फिर लेफ्ट साइड में इसका आपको फिर से एक बेडरूम देखने को मिलेगा, जो कि सेकंड नंबर का यह बेडरूम है। और यह भी काफ़ी बड़ा और स्पेशियस यह बेडरूम है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर भी आपको अलमीरा का पूरा वर्क देखिए आप, पूरा वॉल इसको कवर किया गया है, काफ़ी बड़ी अलमीरा दी गई है। और साथ में फॉल सीलिंग आप देखिए, यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको पूरा LED लाइट और सब कुछ इसमें दिया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देखिए काफ़ी बड़ी विंडो यहाँ पर आपको दी गई है, बगल से पूरा फ्री स्पेस इसमें आपको है, जिससे कि आपको यहाँ पर भी वेंटिलेशन का कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। दोनों दीवार में आपने देखा, एक दीवार पर अलमीरा दी गई है, दूसरे पर LCD पूरा पैनल दिया गया है, और इस पर भी आपको एक अटैच बाथ देखने को मिलेगा इस बेडरूम के साथ में। और यह ऊपर देखिए आप थोड़ा सा स्पेस दिया गया है एज ए स्टोर के रूप में। और दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं और सामने ही इसमें आपको मंदिर मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आप देखिए मंदिर के ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस दिया गया है कुछ भी आपको अपना सामान वामान रखने के लिए। तो यह रहा देखिए आप मंदिर, काफ़ी सुंदर सा है मंदिर है, जो कि आपके एक पूजा के लिए काफ़ी स्पेसियस है। और यहाँ पर भी आप देखिए पूरा टाइल्स और हर चीज़ का पूरा पूरा वर्क हुआ है, किसी चीज़ की भी यहाँ पर भी आपको कमी देखने को नहीं मिलती है। मंदिर से बाहर आते हैं और चलते हैं इसके राइट साइड में, जहाँ पर भी एक आपको और बेडरूम देखने को मिलेगा, जो कि थर्ड नंबर का यह बेडरूम है। और दोस्तों यह भी काफ़ी बड़ा यह बेडरूम है, इसमें भी आप देखिए सामने पूरा अलमीरा इसमें भी बनाई गई है, और उसके बगल में भी देखिए आप काफ़ी बड़ी विंडो इसमें भी आपको देखने को मिलेगी, और फॉल सीलिंग का काम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी हैवी लुक बेडरूम को दे रही है। और दोस्तों हर कमरे पे एक अलग लुक है, अलग व्यू आपको देखने को मिलेगा, अलग कलर आपको देखने को मिलेगा, तरह का फॉल सीलिंग आपको देखने को मिलेगा, हर कमरे का एक आपको अलग एक टेस्ट आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और चलते हैं लॉबी की तरफ, और दोस्तों पूरे फर्श में आपको यहाँ पर को पत्थर का वर्क देखने को मिलता है। अब हम यहाँ से बाहर एग्जिट करेंगे, चलेंगे इसके छत की ओर, और जहाँ पर आपको 1 BHK का एक प्रॉपर एक सेट वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप एज ए रेंट के रूप में आप दे सकते हैं, इसी पर्पज से बनाया गया है। और यह देखिए आप बाहर से ये काफ़ी स्पेस यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हर जगह का पूरा पूरा यूज आपको देखने को मिलेगा। आप इसको कवर्ड भी कर सकते हैं एज ए स्टोर के रूप में। मकान के चारों तरफ यहाँ पर आपको स्पेस मिलेगा, जिससे कि आपको वेंटिलेशन की कोई इशू नहीं आने वाला है। काफ़ी बड़ी पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है। तो चलिए अब दोस्तों चलते हैं छत की ओर, और दोस्तों यहाँ पर भी देखिए आप पूरा टाइल्स लगी हैं, और रेलिंग में आपको पूरा स्टील आपको देखने को मिलता है। अब हम पहुँच गए हैं छत में, ये रही छत। छत में आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस यह मकान है, उस हिसाब से आप देखिए काफ़ी बड़ी यह छत है। और दोस्तों इसमें ही जो मैं आपसे बता रहा था कि 1 BHK का एक सेट बना गया है, यह रहा वो 1 BHK सेट। इसकी एंट्री यहीं से, इसमें एंट्री है, अभी यह बतौर रेंट है और लॉक है, इस वजह से मैं इसको आपको अंदर से तो नहीं दिखा पाया हूं, पर यह भी अंदर से काफ़ी अच्छा यह है, और पूरा यह 1 BHK का यह सेट है। तो अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की छत की तरफ, जहाँ पर कि आपको वाटर टैंक वगैरह पूरा वाटर सप्लाई यहाँ से आपको पूरे मकान के अंदर मिलता है। और दोस्तों यहाँ से मैं अब आपको एक बार इसके आसपास का पूरा रिव्यू करवा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा लोकेशन क्लियर होगा। तो दोस्तों देखिए इसके आसपास में काफ़ी मकान यहाँ बने हुए हैं, काफ़ी भरा हुआ यह एरिया है। पास में ही इसके आपको महज 50 मीटर पर मेन रोड है, और रिलायंस स्मार्ट भी यहाँ पर पास में ही है। आप सामने यहाँ येलो बिल्डिंग देख रहे हैं, यह रिलायंस स्मार्ट की है बिल्डिंग है। यह आप देखिए यह मेन रोड है, जिससे महज 50 मीटर के अंदर अंदर यह मकान आपको मिल रहा है। तो दोस्तों रिव्यू तो पूरा हो चुका, तो कैसा लगा आपको यह वीडियो जरूर बताइएगा। काफी खूबसूरत सा यह मकान था। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। इसका प्राइस रखा गया है 70 लाख रुपया। तो दोस्तों अगर आपको इसके अलावा इसका कुछ भी डिटेल चाहिए, तो आप स्क्रीन पे शो हो रहे नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सारा इसका डिटेल ले सकते हैं।